Operation Restore 100 seeks to restore the lives of women victims of acid attacks and promote skin donation. That is what CCL is all about. यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी कर्नाटक बुलडोजर्स के द्वारा बहुत सटीकता दिखाई है. Big Brother Foundation shall donate ₹1,000 per run scored in every match towards the Operation 100 Restore initiative. Causes supported completely and passionately by owners, team players, everyone together. The heart of CCL being huge. Good evening, ma'am. आपकी गुड इवनिंग तो उन्होंने पक्का सुन ली होगी सिद्धार्थ. जैसे अजय मेहरा कह रहे हैं रिप्लाई कल आएगा गुड इवनिंग का क्योंकि शी इज लुकिंग नर्वस. नहीं नहीं डोंट वरी थिंग्स विल बी बेटर मैम डोंट वरी इतना नाखून मत चबाइएगा. गुड इन्होंने मेरी बात सुन ली. द पावर ऑफ कम्युनिकेशन. आप आग हैं सिद्धार्थ आग. और ये देखिए गंभीर अलग अलग किस्म की महिलाएं दिखती हैं यहाँ पर. कोई नाखून चबाती है कोई स्माइल करती है कोई गंभीर रहती है. Yes, all the best to you as well and the players. Thank you, ma'am. We need all your good wishes. Superfan, call 5333-599. And yes, phone lagaiye, Ricky bhai, right now. जी हाँ, phone तो लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर cricket की बात करें, सिद्धार्थ कर्नाटक बुलडोजर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रही है इस गेम में. किस तरह वापस आ गई है. एक समय लग रहा था शायद मुश्किल हो सकती है, लेकिन तीन विकेट्स लेकर कर्नाटक इस मैच में उनकी नाक आके. रवि किशन भोजपुरी सुपरस्टार और इन्होंने मुझे वादा दिया है कि वो हमारे साथ कमेंटेटर बॉक्स में भी बैठेंगे. रवि किशन भोजपुरी सुपरस्टार एंड ऑफ कोर्स अ बॉलीवुड एक्टर एज वेल. इनका एक बहुत फेमस डायलॉग था रवि किशन का, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, जो एक रियलिटी शो में बहुत हिट डायलॉग था. और ये देखिए इन्होंने भी रवि किशन को देख लिया है. लुक एट दैट, लुक एट दोज पीपल, ब्रदर्स इन आर्म्स. बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर करती हुई कर्नाटक बुलडोजर. लाइन एंड लेंथ की बहुत तारीफ करनी होगी यहां पर. बिल्कुल भी रूम नहीं दिया है बल्लेबाजों को और मुश्किल में है इस समय चेन्नई राइनोज. उनको रन भी चाहिए और विकेट भी बचाने होंगे. 50 पर 3 प्रेशर पूरी तरह चेन्नई राइनोज पर. बेहतरीन गेंद, अपील जरूर की थी लेकिन अंपायर ने उसको नकारा. ओवर की समाप्ति, 7 ओवर 50 पर 3. हो चुके हैं पर रवि किशन एक सितारे. जी हाँ, भोजपुरी सुपरस्टार, इनकी टीम खेलने वाली है इस मैच के बाद. रवि जी मुझे कल के पार्टी में मिले थे और कह रहे थे कि हिज टीम इज रेडी टू गो और सब लोग दिन रात खाना नहीं खा रहे हैं, सिर्फ ब्रीथ लिविंग ड्रीमिंग अबाउट क्रिकेट. और जैसे उनका डायलॉग था, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा, ये डायलॉग आप भी लोगों को बोलिए जो आपका एटीट्यूड दिखाते हैं. देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सीसीएल का जादू पूरी तरह छाया हुआ है चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में. और इस समय कर्नाटक बुलडोजर्स की नाक आगे. अच्छी गेंद खेला, पॉइंट की दिशा में एक रन मिलेगा. पृथ्वी इस समय 10 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विष्णु 3 पर. जरूरी है यहाँ पर एक साझेदारी पन अपना. बट यू नो वॉट, 51 for 3 यानी कि रन रेट slightly above 7. They need a run rate of over 10. अगर पार्टनरशिप अच्छी रही तब भी उनको onslaught करना जरूरी है in the next few overs. जी हाँ, दुविधा में होगी इस समय चेन्नई राइनोज. विकेट भी बचाने हैं, रन्स भी करने हैं और वो कभी ये नहीं चाहेगी कि asking rate बहुत ज्यादा बढ़ जाए. और इस वक्त asking rate है almost 13 per over. और अब ऐसे बॉल अब छोड़ नहीं सकते. अब वो समय नहीं है जहाँ पे डॉट बॉल ज्यादा हो, क्योंकि आस्किंग रेट अगर बढ़ गया तो विकेट्स कैन गो इन ही. वो बहुत जरूरी है चेन्नई राइनोस के लिए कि वो सिंगल्स लेते रहें और जब भी लूज बॉल मिले उसको चौके और छक्के में कन्वर्ट करें. अब खुद एक क्रिकेटर रहे हैं और खेलते भी हैं. व्हेन देयर इज अ डिलेमा ऑफ स्कोरिंग रन्स येट सेविंग विकेट्स, उस वक्त आदमी क्या करे, क्रिकेटर क्या करे. बहुत सटीकता से खेला, एक ही रन मिलेगा. अच्छा सवाल आपका. जरूरी होता है कि जो आपकी इंटेंट है
वो रन्स बनाने में हो। अगर आप सिंगल अच्छा भाग सकते हैं तो आप पे प्रेशर कतई नहीं आता, क्योंकि आपको ज़्यादा लूज बॉल हमेशा नहीं मिलेंगी, तो सिंगल देने बहुत ज़रूरी हैं। और हम देखते हैं ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट इतनी सक्सेसफुल क्यों है, क्योंकि वो भागते बहुत अच्छा है, रनिंग बिटवीन विकेट उनकी बहुत सटीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है चेन्नई राइनोज को ऑस्ट्रेलिया की किताब से कुछ सीखना होगा। और मैंने ये भी नोटिस किया कि कर्नाटका टीम जो इनिशियली बहुत एक्स्ट्रास दे रही थी विद बाइज एंड वाइड्स, अब उस पर रोक रखे हैं लोग, नॉट टू मेनी एक्स्ट्रास आल्सो, सो द बॉलिंग इज आल्सो वेरी वेरी टाइट, ऑल हैपनिंग इन सीसीएल। कटिंग एज बॉलिंग 52 for 4, कैप्टन सुदीप एंड हिज टीम आर वेरी वेरी हैप्पी। This is really a big, big letdown for Chennai Rhinos. The match slowly slipping out of their hands. What did they do? देखिए इसको कहते हैं प्रेशर। आपने बॉलिंग टाइट की है, रन्स आप नहीं दे रहे हैं, और देखिए किस तरह खेलना चाहते थे थर्ड मैन की दिशा में, लेकिन बहुत क्लोज टू द बॉडी का बॉल है ये शॉट, बिल्कुल इस बॉल पर आप नहीं खेल सकते थे, आप सीधे बल्ले से खेलते तो अच्छा रहता, लेकिन उसका हमको नुकसान उठाना पड़ा और वापस पवेलियन की तरफ। 52 for 4, पृथ्वी 10, बॉल बाय राव। अ बिग ब्लो फॉर चेन्नई राइनोज, 4 विकेट चले चुके हैं और बहुत ही tough situation. I don't think they could bounce back in a situation like this. I'm sure there is hope, but reality kuch alag hai. Dekhiye gadda to unhone khod liya apne liye samay, lekin cricket anishchitaon ka khel, yahan pe lambi saajidari ki zarurat aur taba tod ballebazi karni hogi Chennai Rhinos ko. Achhi gendbazi, 53 par 4, 8 over complete. Be a very unhappy man right now. Unki expectations out of his team were rock solid, but this is a situation he would not have accepted at all. Look at the graph. Aur mere saath is waqt hai Ajay Mehra. Ajay, you must be shocked. Yeah, bilkul. Aur jo lal rekha hai wo Chennai Rhinos ki hai, aur agar aap dekhe wo dip leti hui niche jaati hui, uska karan hai jo ausat hai wo gir chuki hai, aur sabse badi baat hai 4 wicket jo unne kho diye hain, उससे जो दबाव है वो काफी बढ़ जाता है। और यहाँ से अगर आप देखिए चेन्नई राइनर्स को 159 रन चाहिए 12 ओवर में, अब जो आस्किंग रेट है लगातार बढ़ता हुआ, तो मुश्किल यहाँ पे स्थिति नजर आती हुई चेन्नई राइनर्स के लिए। एक का दबाव में टीम है, एक सायदारी की जरूरत है। अगर आप कर्नाटक के लिए देखें सिद्धार्थ, तो जो सायदारियाँ हुई थी वो बहुत बेहतरीन हुई थी, और मैं रिक्वायर्ड रन रेट की बात कर रहा हूँ 13 से ऊपर, यानी कि लगभग हर ओवर में एक बाउंड्री तो चाहिए, बेशक चौका है या छक्का है।